What are the immediate effects of FIFA ban और कैसे इंडियन फुटबॉल ये FIFA ban को अब हटा सकती है, हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइज, मैं हूँ आपका होस्ट ऋषभ के फुटबॉल गीक और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इंडियन फुटबॉल को AIFF को बैन कर दिया गया है। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस, बट अब हो चुका है और आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा जिस तरीके की इंडियन फुटबॉल को और इस बैन को कवरेज मिली है इंडिया में न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर। तो आपको पता चल ही गया होगा कुछ गलत कामों के कारण यहाँ पर इंडियन फुटबॉल फेमस हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बुरा बहुत लग रहा है, बट अब हमको आगे देखना है। और आगे अब क्या है, इमीडिएट इफेक्ट्स जो इंडियन फुटबॉल को होने वाले हैं इस फीफा बैन के कारण, और क्या अब सॉल्यूशंस हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस फीफा बैन, क्या सॉल्यूशन है कि हम इस फीफा बैन को अब हटा सकते हैं, वो हम सब जानेंगे इस वीडियो में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने फुटबॉल गीक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बिकॉज दिस इज योर स्टेडियम फॉर इंडियन फुटबॉल। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट मैं करूंगा इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ, क्योंकि ये इफेक्ट्स ऑलरेडी होने लगे हैं इंडियन फुटबॉल के ऊपर। दो दिन पहले हमारे पास ये बैन लगा था, फीफा बैन इंडियन फुटबॉल पर, और उसके बाद हमारी जो गोकुलम केरला विमेंस फुटबॉल टीम है उनको उज्बेकिस्तान में ताशकेंत एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। उनको AFC के विमेंस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया, बिकॉज हमारे जो अब इंडियन क्लब्स हैं आई लीग और ISL के, दे कांट पार्टिसिपेट इन एनी AFC कॉम्पिटिशन। उनको AFC और फीफा के तरफ से कोई भी सहायता, कोई भी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये है सबसे बड़ी चीज जो अभी हुई है। और इसी का जो दूसरा इफेक्ट हुआ है वो केरला ब्लास्टर्स पे हुआ है। इतने दिन से केरला ब्लास्टर्स मेहनत कर रहे थे UAE टूर पर, उन्होंने टिकट्स वगैरह भी निकाल दिए थे, एंड अब उनके जो फ्रेंडलीज UAE टूर पर होने थे फॉरेन कंट्रीज के क्लब्स के साथ, वो अब नहीं हो पाएंगे। वो केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं UAE में, मगर वो किसी भी फॉरेन क्लब के साथ वहां पर मैच नहीं खेल सकते हैं UAE में। तो ये दो बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट हुए हैं, और ये दोनों चीज़ ऑलरेडी इन दोनों टीम्स को इफेक्ट कर चुकी हैं। इनके साथ साथ और क्या इफेक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब जो आगे वाला इफेक्ट है वो है कि हमारी इंडियन नेशनल टीम जो है मेंस एंड वेमेंस, वो किसी भी AFC कॉम्पिटिशन में, फीफा कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले सकती, जैसे फीफा वर्ल्ड कप, आपका AFC एशियन कप, और साथ ही साथ वो किसी भी इंटरनेशनल टीम के साथ फ्रेंडलीज नहीं खेल सकते हैं। तो आपको पता होगा जैसे हमारी इंटरनेशनल मेंस टीम थी वियतनाम और सिंगापुर के साथ खेलने वाली थी सितंबर में, वो मैचेस अब नहीं होंगे इंडियन फुटबॉल टीम के। अगला इफेक्ट जो है वो है सेफ विमेंस चैंपियनशिप जो होनी थी नेक्स्ट मंथ, उसमें इंडियन विमेंस टीम पार्ट नहीं ले पाएगी अगर बैन रहता है तब तक। अगर तब तक बैन रहता है तो ये भी हमारे हाथों से मौका चला जाएगा। और आपको बताता हूँ कि जो हमारे क्लब्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया AFC के कॉम्पिटिशन्स में, AFC और फीफा के कॉम्पिटिशन्स में वो पार्ट नहीं ले सकते, विच मीन्स AFC चैंपियंस लीग, AFC कप हम लोगों के हाथों से गया। अब हम लोगों के क्लब उस कॉम्पिटिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और उन कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले पाएंगे अगर ये फीफा बैन रहता है। अगला जो इफेक्ट है वो आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा, जो हमारा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला था अक्टूबर में, जिसके टिकट्स ऑलरेडी अभी आउट हुए थे, लॉन्च किए थे AIFF ने, इंडियन फुटबॉल ने, वो हमसे यहाँ पर होस्टिंग राइट्स ले लिया जा सकता है, किसी और कंट्री को दे दिया जा सकता है, बिकॉज हम लोग फीफा बैन में हैं तो हम लोग होस्ट नहीं कर सकते कोई भी फीफा का कॉम्पिटिशन, एंड दिस विल बी अ मेजर ब्लो ऑन इंडियन फुटबॉल। तो ये कुछ इमीडिएट इफेक्ट्स हैं जो इंडियन फुटबॉल को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, एंड इन इफेक्ट्स के कारण इंडियन फुटबॉल जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा था उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, और बहुत ही बड़ी एक ये बाधा आ गई है। तो यही उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द ये हमारा फीफा बैन इंडियन फुटबॉल के ऊपर से हट जाए। मगर कैसे हटेगा ये बैन, तो वो भी बात करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस जो दिए हैं फीफा ने वो है कि पहले आप अपनी COA, जो कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी थी जो कि डेली चीज़ें देख रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, एंड इलेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होने वाली थी, उनको कम्प्लीटली हटाना पड़ेगा, एंड दे कांट कंडक्ट इलेक्शंस और डिसाइड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते वो। और जो AIFF की एडमिनिस्ट्रेटर थे वो लोग अब चीज़ें संभालेंगे COA के जाने के बाद, जैसे हमारे सुनंदो थार जो कि करंट जनरल सेक्रेटरी हैं, एक्टिंग सेक्रेटरी हैं,
वो हैंडल करेंगे चीजें और उनके साथ लोग जो हैं वो हैंडल करेंगे डेली के काम AIFF में अंटिल प्रेसिडेंट इलेक्शंस टेक प्लेस। फिर तीसरा उनका है जो उन्होंने बोला है कि आपको करना पड़ेगा, वो है कि जो AIFF का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल्स फॉलो करने चाहिए फीफा और AFC के, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड होना चाहिए AIFF की जनरल असेंबली से, मतलब हमारे स्टेट एसोसिएशन से। स्टेट एसोसिएशंस को AIFF की जनरल असेंबली बोलते हैं, और जैसे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव करेंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव होगा एंड इट शुड फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ फीफा एंड AFC। आगे बढ़ते हैं तो चौथी बात जो बोली है उन्होंने कहा है कि एमिनेंट प्लेयर्स को जो आप वोटिंग दे रहे थे कि पहले बात हो रही थी 36 एमिनेंट प्लेयर्स एंड 36 स्टेट एसोसिएशन वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, वो नहीं हो सकता है क्योंकि फीफा के रूल के अगेंस्ट है, फीफा इंडिविजुअल वोट अलाउ नहीं करता है, तो केवल स्टेट FAs पार्ट लेंगे आपके इलेक्शंस में AIFF प्रेसिडेंट के, नो एमिनेंट प्लेयर विल वोट इन दी प्रेसिडेंट इलेक्शंस। और फिफ्थ पार्ट जो बोला है फीफा ने वो कहा है कि ये जो जनरल असेंबली है AIFF की जो कि आपके स्टेट FAs हैं वो एक इलेक्टोरल कमेटी बनाए और वो इलेक्टोरल कमेटी चीज़ें देखेगी और पूरा इलेक्शन संभालेगी। वो डेली की चीज़ें नहीं देखेंगे बट दे विल हैंडल एवरीथिंग रिलेटेड टू दी प्रेसिडेंट इलेक्शंस, और वो कमेटी सब कुछ हैंडल करेगी इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये सॉल्यूशंस हैं फीफा ने जो बोले हैं और हमको इंडियन फुटबॉल को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो हम लोग शायद फीफा बैन से हट जाएंगे और इंडियन फुटबॉल वापस रेगुलर फीफा के अंडर आने लगेगा। सो दीज वर द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ फीफा बैन और साथ ही साथ सॉल्यूशंस कि कैसे हम फीफा बैन को हटा सकते हैं इंडियन फुटबॉल के ऊपर से। मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस फीफा बैन के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, और क्या लगता है आपको क्या कर सकते हैं हम। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये फीफा बैन हट जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंडिया के ऊपर से फीफा बैन हट जाना चाहिए। ये मेरी जानकारी और जिस तरीके से चीज़ें मैंने पढ़ी उस तरीके से तो यही लग रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर ड्रॉप करिएगा और साथ ही साथ फुटबॉल गीक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज़ योर स्टेडियम फॉर इंडियन फुटबॉल। मैं जल्दी वापस आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।